तो गाइस वीवो की तरफ से वीवो का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया गया है जो कि वीवो की वाई सीरीज की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन दोस्तों वीवो वाई 35 के नाम से पेश किया गया है जो कि दोस्तों एक 4G स्मार्टफोन है। और ये स्मार्टफोन दोस्तों 5000 mAh बैटरी के साथ देखने को मिलेगा जिसमें दोस्तों 50 MP का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों 8 GB का रैम भी आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों पावरफुल प्रोसेसर भी दिया गया है। तो गाइस मैं हूँ आशीष क्रिकेटर AK9 टेक्निकल से, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और अदर फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों आइए चलते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं दोस्तों कि इस स्मार्टफोन में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों आपको मिलेगा 6.58 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल जो कि फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ देखने को जाता है, जिसमें दोस्तों 2408x1080 पिक्सल का रेजोल्यूशन दिया गया है। 90Hz का रिफ्रेश रेट इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर दोस्तों 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो भी आपको देखने को जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको 550 nits का ब्राइटनेस दिया गया है और NTSC कलर गोमूड का फीचर भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का आपको देखने को जाता है, कलर एंड ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया रहेगा, पिक्चर क्वालिटी काफ़ी दमदार आपको देखने को मिलेगी। प्रोसेसर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 680 का पावरफुल चिप से दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहेगा, फ्री फायर या पबजी जैसे गेम हम काफ़ी स्मूथली खेल सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों 8 GB का रैम और 8 GB का आपको वर्टिकल रैम का सपोर्ट भी दिया गया है। 128 GB का इंटरनल स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा जिसे कि दोस्तों हम SD कार्ड के जरिए 1 TB तक बढ़ा सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे एंड्रॉयड वर्जन 12 का ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है जो कि फन टच OS 12 स्क्रीन पे रन करता है। कैमरा डिपार्टमेंट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे बैक साइड में 3RR कैमरा सेटअप देखने को जाता है जिसमें दोस्तों 50 MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, दूसरा कैमरा दोस्तों 2 MP का दिया गया है और तीसरा कैमरा भी दोस्तों आपको 2 MP का देखने को मिलेगा। और सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पे फ्रंट साइड में 16 MP का कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फोटोग्राफी के लिए ये स्मार्टफोन काफ़ी बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। और बैटरी और कनेक्टिविटी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पावर बैकअप के लिए 5000 mAh का बैटरी और 44W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डुअल सिम 4G सपोर्ट देखने को जाता है, साइड माउंट फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस अगर इस फ़ोन की प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये स्मार्टफोन 18,500 रुपये के आसपास में आपको देखने को मिलेगा। और ये स्मार्टफोन दोस्तों अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों उम्मीद है कि ये स्मार्टफोन इंडिया में भी बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। तो गाइस आपको ये स्मार्टफोन कैसे लगी इसके बारे में दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ, तो आज के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।